हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का वीडियो जो एटीकेटी का फॉर्म कैसे भरना है, इस वीडियो में आप लोगों को मैं वही बताऊंगा। ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने बोला, इसके लिए मैं बना रहा हूँ। तो देखिए, ये मेरा साइट है और ये साइट पर आपको अपना जो यूज़र नेम है वो डालना है, देन पासवर्ड डालना है, एंड इसको प्रोसेस करना है, आगे के लिए प्रोसेस करना है, ठीक है, लॉगिंग करके। अगर आप लोगों के पास ये लिंक नहीं है, मुझे कमेंट करना, मैं आपको ये लिंक दूंगा जिससे डायरेक्ट आप ये पेज पे आओगे। और वहाँ डालने के बाद आपको तीन ऑप्शन देगा, आपको रिपीटर के ऊपर क्लिक करना है। रिपीटर पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। सिर्फ एटीकेटी का, सिर्फ एमकॉम के बच्चे नहीं, बीकॉम के बच्चे, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि सिर्फ एमकॉम के लिए नहीं, ये सभी लोगों के लिए, बीएससी आईटी के लिए, बैफ के लिए, एमकॉम के लिए। अभी मैं एमकॉम के लिए बना रहा, तो सेम प्रोसेस है सभी के लिए। तो मैं एमकॉम पार्ट वन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई कर लेता हूँ। इधर दो ऑप्शन आ जाते हैं, 2019 के बाद का और 2015 के पहले का, आपका कौन सा पेपर पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो आप मेजोरिटी जो अभी के सभी बच्चे हैं, सबके लिए 2019 के बाद का पेपर पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो आप लोगों को ऊपर वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है गाइस। और सभी के लिए एम कॉम, टी वाई बी कॉम, बी एस सी आई टी, बी ए, सबके लिए यही प्रोसीजर है। सिर्फ आप अपना कोर्स प्रॉपर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं 2019 वालों को सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा पेपर पैटर्न वही है। जिनका 2015 का पहला पेपर पैटर्न है, तो आप वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है गाइस। तो चलिए हम सिलेक्ट करके और आगे बढ़ते हैं। फिर मतलब मैं रीड भी कर लेता हूँ पहले, हाँ, कि मतलब कंफर्म है, फिलहाल तो वही है, टिक करके चलो मैं एग्री करके आगे जाता हूँ। देन एग्री करके आगे जाने के बाद इधर फिर से आपके पास कुछ आ गया कि आपका पेपर पैटर्न कैसा है। मुंबई यूनिवर्सिटी सेमिस्टर वाइज भी रहता है और एनुअल, हमारे पास सब एनुअल चलता है, ठीक है। हम साल में एक ही बार पेपर देते, तो मैं एनुअल सिलेक्ट करके आ गया। देन इधर आपको बोला हुआ है प्रीवियस एग्ज़ाम डिटेल, जो आपने प्रीवियस दिया हुआ था, जैसे कि एम कॉम का आपने मतलब एग्ज़ाम दिया हुआ, तो आपको एम कॉम का पूरा डिटेल डालने का है, ठीक है। स्टेज नेम डाल दीजिए आपने, फिर नेम ऑफ अपना यूनिवर्सिटी डाल दिया, जैसे कि अपना मुंबई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। देन उनका एड्रेस डालने का, जो मैं एड्रेस ऊपर से ही कॉपी पेस्ट करके इधर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हो, बाद में आपका पीआरएन नंबर या तो रोल नंबर जो डालना है वो पुट कर सकते हो। गाइस, ये वीडियो को पूरा देखना है, स्किप करके आगे मत भागना, क्योंकि स्किप करने के चक्कर में आप क्या हो गए, फिर आधा अधूरा देखोगे वीडियो, आप डिटेल पूरा डाल ही नहीं पाओगे, पुट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिए, दो मिनट लेट होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, देख के बाद में आप डिटेल सब पुट कीजिए। फिर इधर आपका एकेडमी ईयर कौन सा है, अभी का सबका है 18-19, तो मैं 18-19 डाल दे रहा हूँ, ठीक है। नेम ऑफ डिग्री, आपने एम कॉम किया हुआ है तो आपको इधर एम कॉम डालना है, तो चलिए मैं भी एम कॉम डाल देता हूँ। फिर आपने क्या लिया हुआ था, अकाउंट लिया हुआ था, अकाउंट ले लिया। मैं जिनका भी फॉर्म भर रहा हूँ उनको दो केटी है, तो दो केटी के लिए उनको केटी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, उनको फेल सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं फेल पे क्लिक करके आगे जाऊंगा, लेकिन फिर मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। इधर रोल नंबर पहले डाल दे रहा हूँ, मैंने जो मिस कर दिया था, रोल नंबर या तो पीआरएन नंबर जो भी आप डालोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आप प्रॉपर अच्छे से देख लीजिए कि किधर क्या डाल रहे हैं, क्योंकि आप इधर गलती करोगे डालने में तो आपको क्वेरी आएगी और आप फिर पूछोगे। तो इससे अच्छा कि दो मिनट लेट आप अच्छे से पूरा वीडियो देख ले, एंड देन फिर आपको कुछ प्रॉब्लम आता आप कमेंट कीजिए। हाँ, जैसे कि मैं नीचे बता रहा था आपको कि दो सब्जेक्ट से शायद ज़्यादा, मतलब जो दो सब्जेक्ट में केटी लगा है उनके लिए केटी का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हो रहा है। जिनको शायद एक में होगा उनको केटी का ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, जिनको शायद दो में तो उनको आई थिंक कि फेल का मतलब फेल ही सिलेक्ट हो रहा है, दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। आपको फेल सिलेक्ट करके ही आगे जाना है। तो इधर मेरे भी नहीं हो रहे, तो मैं अभी फेल सिलेक्ट करके जा रहा हूँ, ठीक है, आगे की ओर। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ केटी पे क्लिक करूँ, केटी सिलेक्ट हो जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो जैसे कि देख रहे हैं, देखो केटी पे क्लिक कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है, ठीक है। मैंने बहुत ट्राई किया, ये देखिए अभी भी कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। पास पे कर रहा हूँ, देखिए पास पे हो जा रहा है, केटी पे नहीं हो रहा है, फेल पे हो जा रहा है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं फेल पे क्लिक करके अभी आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि दो सब्जेक्ट है, मतलब डेफिनेटली फेल है। मुंबई यूनिवर्सिटी ने भले दो सब्जेक्ट को अपलोअर मतलब दे दिया है, फिर भी। देन आप अपना रिजल्ट कब आया था वो डाल दीजिए, अगस्त, जून, जुलाई, जो भी आया रहेगा, ठीक है, आप पुट कर दीजिए उसे। तो मैं इधर सिलेक्ट कर लेता हूँ जून,
जब भी फ्रेंड्स आपका रहेगा, ठीक है, ईयर सिलेक्ट कर लीजिए 2019, देन आपका सीट नंबर, ठीक है, मैं पहले सीट नंबर देख लूँ कि क्या है। हाँ, इधर लिखा हुआ था 19090, तो मैंने पुट कर दिया। देन मार्क्स आपको दिखा रहा है कि ग्रेड दिखा रहा है। अभी भी मैं केटी को लेके थोड़ा था मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ सिलेक्ट हो जाए अब, लेकिन नहीं हो रहा है। देखिए केटी नहीं हो रहा है, तो मतलब जिनको दो सब्जेक्ट में केटी है वो फेल करके सिलेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं फेल पे ही रख रहा हूँ। और देन गाइस मैं भी फर्स्ट टाइम भर रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हर एक चीज़ अच्छे से देखते हुए करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, कोई घाई घाई नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। मैं भी पहली बार भर रहा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग ने फोर्स किया इसके लिए करा, अदरवाइज नहीं करता मैं। तो इधर आउट मार्क्स डाल दिया, आउट ऑफ डाल दिया एंड परसेंटेज आ गया, देन सेव करके आगे जाता हूँ। देन इधर आने के बाद आपका प्रीवियस डेटा ऊपर आ चुका है, उसके बाद आपने कौन सा कोर्स मतलब कर चुके हो, तो बैचलर या मास्टर, तो हम सभी लोग ने मास्टर किया, जो बैचलर किया हुआ रहेगा वो बैचलर सिलेक्ट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये सभी के लिए, सबके लिए सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद इधर हमें सिलेक्ट करना है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ चाहिए। तो मैं असल में गोरेगांव में रहता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे नियरेस्ट कौन सा आता है, तो आई थिंक मेरे नियरेस्ट बोरेवली अच्छा है, तो मैं इधर बीओ करके बोरेवली सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप भी अपने वहाँ जो भी आपको नियरेस्ट होगा, इधर मेरे को दिखा दिया पॉपअप कि मैं सबमिट कर रहा था कि भाई इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो मेरा मास्टर में मास्टर सिलेक्ट करता हूँ, देन सबमिट। एंड फिर ये सामने नया इंटरफेस आया, ठीक है, इस इंटरफेस पे कॉलेज दिया हुआ है सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, मेरा मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट ही है, ठीक है, सबमिट कर देता हूँ। देन सबमिट करने के बाद लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है, एंड देन इधर कुछ सब्जेक्ट दिया हुआ है। गाइस गलती मेरे से भी हो सकती है, गलती मतलब मैंने गलत कुछ आप लोगों को गाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर ही गाइड कर रहा हूँ पूरा वेरीफाई करके। लेकिन जब मैं ये फॉर्म फिल कर रहा था तो मैं भी मतलब इधर उधर थोड़ा टाइम लग रहे थे, तो मैं जैसा मैंने मतलब किया जैसे, क्योंकि मैं गलती अगर उसमें कर सकता हूँ थोड़ा टाइम लग सकता है, आप लोगों को भी लगेंगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए कि आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि गलती करके ही इंसान सीखता है। मैं वीडियो एकदम प्रॉपर बना रहा हूँ, कुछ गलत नहीं बना रहा, कुछ गलत प्रोसेस भी नहीं हो रहा है, सब सही प्रोसेस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इधर आके इधर कौन सा मतलब ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको इधर नीचे दिख रहा हुआ है ग्रुप ए में फाइनेंस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, देन अपना बैंकिंग मैनेजर, मैं ऐसे ही डायरेक्ट प्रोसेस कर रहा था तो नहीं हुआ, तब इसको सिलेक्ट करके प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है। मैनेजमेंट में भी आपको दिख रहा हो रहा है, ठीक है, आरएम दिख रहा हुआ है, बाद में एमएस दिख रहा हुआ है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट का नाम है, शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ। तो अब मैंने ऊपर देखा कि ऊपर के जो दोनों है ना गाइस कंपलसरी सब्जेक्ट, और नीचे आप अगर अकाउंटिंग हो तो अकाउंटिंग सिलेक्ट करो, अगर मैनेजमेंट हो तो मैनेजमेंट, एंड देन प्रोसेस करो, मतलब ऊपर वाला जो फ्रेंड था वो कंपलसरी था, आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। कॉमन आपको दिया हुआ था अकाउंटिंग के लिए और मैनेजमेंट के लिए, वो आपको एक सिलेक्ट करना है। इधर आपको सब्जेक्ट दिखाया, एंड देन प्रोसेस करो आगे के लिए प्रोसीड, एंड देन इधर आप लोगों को दिया, ठीक है। तो इधर ना बहुत सोच समझ के आपको मार्क्स पुट करने हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा था, क्योंकि दो सब्जेक्ट में फेल है, अब मेरे को सबका मार्क्स डालना है। तो देखिए मैं क्या कर रहा था अभी, देखिए फेल के ऊपर टिक कर रहा हूँ, अगर जिधर फेल सिलेक्ट किया उधर मार्क्स नहीं आ पा रहे, मैं मार्क्स नहीं डाल पा रहा हूँ, और जहाँ पास किया वहाँ मैं मार्क्स को पुट कर सकता हूँ। तो मेरा ऐसा इंटेंशन था कि जहाँ फेल है वहाँ फेल भी सिलेक्ट, और उधर कितने मार्क्स है वो डाल दो, तो वो तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि फेल है। तो जैसे कि इधर मैंने पास पे क्लिक करके उधर मैं मार्क्स डाल रहा था कि मार्क्स पुट कर दूँ, तो जैसे कि मार्क्स इधर तो मैं पुट कर दूँ, लेकिन मार्क्स पुट करने के लिए पहले मैं सोच रहा हूँ, मतलब दिमाग में मैं खुद सोच रहा हूँ कि फेल पे टिक करूँ कि पास पे टिक करके आगे जाऊँ, ठीक है। तो मेरा ऐसा कंसेप्ट कर रहा है क्योंकि मैं पास करूँ या फेल करूँ, ठीक है, मेरे हिसाब से पास करूँगा तो मार्क्स ज़्यादा चाहिए रहेगा, तो मेरा ऐसा कंसर्न है कि मैं इसे फेल सिलेक्ट करके और आगे जाऊँ, ठीक है गाइस। आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम भर रहा हूँ, आप लोगों के मतलब रिक्वेस्ट किया था आप लोगों ने कि सर उसका प्रोसेस डालिए डालिए, अदरवाइज़ मैं ये नहीं पुट कर रहा था, लेकिन आप लोगों के बोलने की वजह से पुट करो। तो प्लीज़ आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैंने आपकी बात सुनी है तो आप सभी लोग जो मेरे न्यूज़ यूज़र है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और
कमेंट कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही, बिकॉज आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेट मिलता है। आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, मतलब हर वक्त आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप कमेंट कर रहे हो फ्रेंड्स, इसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग ने बोला नहीं होता कि सर आप वीडियो बनाइए एटीकेटी को लेके, तो गाइस मैं वीडियो नहीं बनाता था। आप लोगों ने बोला कि सर वीडियो बनाइए एटीकेटी को लेके, इसी की वजह से फ्रेंड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज मेरा वीडियो नहीं बनता था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप लोगों को फर्स्ट कि आपने मुझे फोर्स किया, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज ये वीडियो नहीं बनाता था। तो चलिए मैं एक बार रिजल्ट में देख लेता हूँ कि क्या क्या मार्क्स है, और वो मार्क्स मैं इसमें पुट करता हूँ। ठीक है, आप ये फॉर्म भरते समय एटीकेटी का आप अपना हर एक चीज़ लेके रखें, आईडी प्रूफ, प्रूफ मार्क्सिस सब। तो जैसे कि मैंने ऊपर मार्क्स डाल दिया 33, और जबकि वो 33 पता चल गया फेल है, इसके लिए ऊपर पॉपअप आ गया और उसको ओके किया तो खुद ब खुद मार्क्स हट गया। समझे फ्रेंड कि क्या हुआ? अभी देखिए, जहाँ मार्क्स ज़्यादा है मैं पास हूँ, उस सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स डाल रहा हूँ, तो देखिए कुछ भी हट नहीं रहा है, कुछ पॉपअप नहीं आ रहा है। और जहाँ मैं अगर मार्क्स कम है, देखिए नीचे एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, 32 डाला, मार्क्स कम है, देखो पॉपअप आ गया, उसको ओके करूँगा तो मार्क्स खुद ब खुद चला जाएगा। तो मतलब आप पास करके ऑप्शन में जा ही नहीं सकते, आपको उसको फेल करके ही आगे जाना है। मतलब फेल करके प्रोसीड किया, देन इधर आपको फिर आता है एग्ज़ाम फी। ठीक है, उस पर क्लिक करो, दो पेपर देखो उन्होंने बता दिया, दो पेपर में फेल था, इसके लिए इधर दिखा दिया दो पेपर फेल, क्योंकि उधर फेल ही था तो मैंने फेल करके सिलेक्ट किया। देन इधर आपको कितने फीस भरना है वो भी आ गया है, 835 दो सब्जेक्ट के, और जो दो सब्जेक्ट है, ठीक है आपको दो सब्जेक्ट पता था, एंड देन सबमिट कीजिए दोनों सब्जेक्ट का। देन फिर नीचे आइए और इधर आपको है प्रोसेस करना है। ठीक है, अभी इसमें फर्स्ट ईयर का मार्क्सिस इधर क्या क्या मांग रहा है फ्रेंड्स, वो आपको अपलोड करना है। जैसे कि इधर आपको दिख रहा है फर्स्ट ईयर का, ठीक है, अटेम्प्ट मार्क्सिट, फिर आइडियल का आईडी कार्ड, ठीक है, एडमिशन कार्ड या फी रिसीव कुछ डालना है, और तीसरा क्या है डिग्री ऑफ मार्क्सिट, ठीक है, आपका जो TY की डिग्री होगी उसके मार्क्सिट डालना है। मैं इधर आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखा रहा हूँ, बाकी के डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स आप लोगों को ही अपलोड करना है। ठीक है, तो कैसे अपलोड करते वो मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे के डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है तो वह आप लोगों को ही अपलोड करने पड़ेंगे। अपलोड पे टिक करके इधर से चॉइस करना है, ठीक है, लेकिन मेरे पास अपलोड करने के लिए सामने वाले का डेटा जो है वो मेरे फ़ोन में है, मतलब मोबाइल में। आप लोगों भी जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उनके साथ फ़ोन में होगा वो डेटा, जो मतलब PDF आया था मार्क्सीट का, क्योंकि इसमें तो हमें वो डालना है। तो चलिए कि मैं अपना वो महिला से पहले चॉइस कर लेता हूँ, ठीक है, चॉइस करके फाइल को इधर मैं अपलोड करूँगा। तो उसके पहले मैं मेरे व्हाट्सअप पर चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे व्हाट्सअप पर है मेरे, उधर से इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं इधर। फ्रेंड्स आप भी ऐसे देख लीजिए, क्योंकि आपके भी जो मोबाइल पे होगा आप उसको मोबाइल से ही लैपटॉप पे व्हाट्सअप वेब चालू करके आप इंस्टॉल इजीली कर सकते हो इधर। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं मेन जो होम पेज है उधर चला जाता हूँ। तो ये देखिए मैं अपने मेन होम पेज पर आ जाता हूँ, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वे था फ्रेंड्स, हाँ मैं आ गया इधर आके, देन मैं इधर चालू करता हूँ शेयर इट। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सअप पे फिर मेरा ऐसा प्लान था व्हाट्सअप से भेजूंगा तो शायद उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, तो मैं मेरे PC में भी शेयर इट है, और मोबाइल के हर किसी के पास शेयर इट फ्रेंड होता ही है। तो मैं मेरे शेयर इट से इसको सेंड करके PDF इधर दे देता हूँ, जो हमारा मार्कशीट का PDF है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेट थोड़ा कनेक्ट कर लेते हैं, टाइम लगेगा फ्रेंड्स थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा पैसा रख के देख लीजिए वीडियो, सॉरी थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है ना गाइस, आप लोग मेरे को कौन सा हमेशा बनाना है, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए फ्रेंड्स। असल में कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए फिर से मैं चालू कर रहा हूँ अभी, कि एक बार ट्राई करके देखा कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, होता है ऐसा प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आप भी मतलब ट्राई करते रहो, ट्राई करते हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों के फ़ोन में ही PDF होगा, PC में नहीं होगा, तो आप अपने PC में डालिए, आप व्हाट्सअप से भी डाल सकते हो गाइस, व्हाट्सअप वेब से, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी मतलब डिक्रीज़ हो जाती है। बस इसी की वजह से मैं शेयरिट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उससे मेरी जो मतलब क्वालिटी होगी, जो PDF होगा उसका मतलब क्वालिटी कम नहीं होगा।
तो बस इसके वजह से मैं सैरी ट्राई कर रहा हूँ, जिसके वजह से थोड़ा तो प्रॉब्लम हो रहा है कि इससे वीडियो भी लेंदी हो रहा है बिकॉज ये जल्दी कनेक्ट नहीं हो रहा है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा लेट हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, लेकिन कनेक्ट करूँगा, डोंट वरी, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ तो ये देखिए हो गया, ठीक है, इंस्टॉल हो रहा था, ठीक है, हो गया, कनेक्ट होके आ भी गया, ठीक है मेरा पीडीएफ। अब इसमें से जो सामने वाले का नाम है उस नाम का मैं उतना ही स्क्रीनशॉट लेके मैं इसको अपलोड करूँगा साइट पे। तो पहले तो जो है जिनका रोल नंबर है मैं उसका रोल नंबर ढूँढ लेता हूँ, ठीक है, दीपक पटेल करके 190 से मैं पहले वो देख लेता हूँ, ठीक है, देन वो मिल जाए तो उसके बाद उसको स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं आपको ये भी बताता हूँ, जिनको पता है वेरी वेल डन, जिनको नहीं पता है कि स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं अपना पीसी पे लैपटॉप पे, तो मैं अभी आपको बताता हूँ जो हर लैपटॉप पे इजीली आपको मिल जाएगा स्नैपिंग टूल का। अगर आपने नाम सुना होगा तो पहले मुझे तो नाम देख लेने दीजिए, एक बार मैं नाम देख लूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं, फिर अपलोड करके भी दिखा दूँगा आप लोगों को फ्रेंड्स, डोंट वरी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए सर फ्रेंड, ठीक है, और कमेंट कीजिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम। और आपको लिंक चाहिए डायरेक्ट उधर आने का तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत लिंक दे दूँगा, आप डायरेक्ट आ सकते हो फ्रेंड्स। देखिए मेरे को नाम मिलेगा सामने वाले का, अब नाम मिल गया, मुझे पता है कि उतना सिलेक्ट करना है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्योंकि जूम रहेगा तो सामने वाले का आपको भी मतलब नाम अच्छे से दिखेगा। आप भी ट्राई करना कि ऐसा छोटे में करके मत दे देना, जूम कर लेना तो मतलब अच्छे से दिखेगा, आपको भी दिखेगा, सामने वाले यूनिवर्सिटी में जब जाएगा तो उनको भी दिखेगा, ठीक है। आप अपना नाम जो भी होगा उस साइड सिलेक्ट करना, मेरा तो इधर ही सामने जो दिख रहा है पटेल करके वही है, क्योंकि मैं किसी के आईडी से अपलोड कर रहा हूँ इसके वजह से। और मैं पेमेंट वेमेंट का फ्रेंड्स आप लोगों को डिटेल नहीं दिखा सकता, तो मैं अपलोड करके बस एक अपलोड मैं करूँगा, बाकी आपको करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अभी, ठीक है, एंड देन सेव करता हूँ पीसी पे और अपलोड करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इधर देखिए, इधर जो है ना रन में, इधर आप ना सिर्फ हाँ स्नैप टूल पे ऐसा क्लिक करना, अगर नहीं है तो उधर लिखोगे टाइप करोगे तब भी आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो उधर से जितना आपको चाहिए होगा उतना सिलेक्ट करना, मैं जहाँ तक उनका नाम ऐसा ऊपर भी दिखा दे रहा हूँ, जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है कि इधर तक कर दे, सामने वाले का नाम किधर है देखिए, ये पटेल दीपक जो है शिव कुमार, इतना ही है मुझे क्योंकि वो लास्ट नाम उनका ही है, मैंने उतना किया, उसको सेव किया डेस्कटॉप पे पीसी के, ठीक है, देन इसको क्लोज करता हूँ और सीधा अपना जो पेज था मुंबई यूनिवर्सिटी का जहाँ मुझे अपलोड करना था इधर आता हूँ, इधर से चॉइस फाइल करता हूँ, ठीक है, जो मेरे डेस्कटॉप पे रखा हुआ है उस पर जाता हूँ और उसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सेम जैसा ये प्रोसेस करो वैसे आपको दोनों और भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है, आपका रिसीव फी होगा तो उसका फ़ोटो लेके अपलोड कर दो, आईडी कार्ड है अपना यूनिवर्सिटी का वो अपलोड कर दीजिए। देखिए इधर अपलोड हो जाएगा तो जो एरर दिखा रहा था ना उस सब जैसा साइन वो हट के ब्लू हो जाएगा, डाउनलोड हो गया वो बता देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इधर से आप देख भी अब इधर से देख सकते हो आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का आईडी, लेकिन ये अभी का करंट का आपको पहले का डालने का है, ठीक है, तो वो भी कैसे निकालते हैं अगर वो भी चाहिए तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। चलिए जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।